हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वो गैलरी के एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम सीखेंगे 10 नए वर्ड्स। तो ये हमारी जर्नी है टुवार्ड्स 4,000 वर्ड्स वो कैबलरी, 4,000 वर्ड्स हम सीखेंगे। और ये हम जो रूट से करेंगे एटाइमोलॉजी रूट से, तो 4,000 अगर वर्ड्स अगर आप कवर करते हो तो उनसे रिलेटेड एक वर्ड से रिलेटेड माना जाता है कि 5-6 वर्ड्स होते हैं, तो 20,000 वर्ड्स की वोकैबलरी आपको हो जाएगी आपकी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगला जो टॉप अगली जो क्लास है हमारी आज की, तो पहला वर्ड है हमारा एजुलेशन। एजुलेशन जो वर्ड है ये लैटिन ओरिजिन से है। लैटिन ओरिजिन में इसका जो है वो एजुलेशनम से आया है। ये इसका मतलब होता है फ्लैटरी, फ्लैटरी चापलूसी। तो एजुलेशन होता है चापलूसी करना, ठीक है। जैसे कुछ लोग बॉस की चापलूसी करते हैं, तो मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के करना, बढ़ा चढ़ा के बताना किसी को, मतलब जो एक्चुअल में नहीं है वो भी उसको बोलना कि तू तेरे में एक खासियत है, चाहे एक्चुअल उसमें खासियत हो ही ना किसी बंदे में, तो उसको क्या बोलते हैं, चापलूसी करना। अपना दिमाग लगा के कुछ ऐसी बातें दूसरे को बोल देना जो उसमें है भी नहीं, उसको खुश करने के लिए, ठीक है। तो एडजुलेशन क्या होती है, चापलूसी, फ्लैटरी। कैजोल, कैजोल वर्ड है जो ये फ्रेंच ओरिजिन से है, ठीक है। फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है ये, आया है बेसिकली केज से। केज, केज समझते हैं आप, केज होता है पिंजरा, ठीक है, पिंजरा या जाली, ठीक है। तो केज मतलब किसी को अपनी बातों के पिंजरे में फंसाना, मीठी मीठी बातें करके किसी को बहलाना या फुसलाना, उसको क्या बोलते हैं, कैजोल। तो समझ आप आ गया आपको, किसी को मीठी मीठी बातें करके, अच्छी अच्छी बातें करके उसको अपनी बातों में के पिंजरे में फंसाना, तो क्या बोलते हैं, कैजोल, ठीक है। अगला वर्ड है हाइडियस। हाइडियस ये वर्ड बनाया है हाइट से, हाइट प्लस जो स्टिक्स है वो क्या है, ओ यू एस। तो ऐसी चीज या ऐसा कोई काम या ऐसा कोई जुर्म जिसको बहुत ज्यादा छुपाने की जरूरत हो, मतलब ओ यू एस का यहाँ जो होता है सफिक्स उसका होता है फुल ऑफ, मतलब जिसको बहुत ज्यादा छुपाने की जरूरत हो, या हिंदी में अगर डायरेक्ट इसको बोले तो इसका मतलब होता है घृणित, ठीक है, हेटर्ड। जो बहुत ज़्यादा घृणित हो, हेटफुल हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा घृणित हो, हेटफुल हो, उसको क्या बोलेंगे, हाइडियस, जो मतलब दिखाने के लायक ना हो, इसको छुपाने छुपाना पड़े इसको, ठीक है। तो ये वर्ड हाइडियस जो कहाँ से आया है, हाइड से। अगला वर्ड है जेनरस। जेनरस अगेन आया है जीन से, और जीन जो वर्ड है उसका ओरिजिन है ग्रीक ओरिजिन है, जिसका मतलब होता है बर्थ से रिलेटेड। तो जो जेनरस का मतलब होता है नोबल बर्थ, उसको क्या बोलते हैं, नोबल बर्थ, मतलब वो आदमी जो बहुत उदार हो, मतलब बिल्कुल लिबरल, मतलब जिसके मन में कोई छल कपट ना हो, मानवता के प्रति वो मतलब सबको एक नज़र से देखता हो, उसको क्या बोलेंगे, जेनरस, बहुत उदार आदमी है, ठीक है। तो जेनरस क्या हो गया, उदार। अगला वर्ड है रिजाइन। रिजाइन याद होगा, पिछले वीडियो अगर आपने मेरे देखे होंगे तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था रीगल, वर्ड बताया था रीगल। तो रीगल जो वर्ड था इसका मतलब था रॉयल, मतलब जो राजाओं के परिवार से रिलेटेड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रॉयल। तो रीगल में जो रेगिस था इसका मतलब था किंग। तो यहाँ भी जो रिजाइन में जो रैगीज आ रहा है इसका है मतलब किंग से। पुराने टाइम में इसको बोलते थे रिजाइन को शासन, बोलते थे शासन, जो राजा लोग थे वो शासन करते थे, तो उनका जो शासन था उसको इंग्लिश में क्या बोलते थे, रिजाइन, ठीक है। तो अब जैसे जैसे मॉडर्न आया सिनेरियो, मॉडर्न जो जनरेशन आई जैसे जैसे, तो राजा वाला कल्चर ख़त्म हो गया, अब गवर्नमेंट आई,
गवर्नमेंट का जो रिजाइम है, या जैसे आपने सुना होगा टैक्स रिजाइम बोलते हैं, तो गवर्नमेंट का जो रूल है और रेगुलेशन, या टैक्स रिजाइम बोलते हैं कर व्यवस्था, मतलब जो हमारे जो टैक्स लगते हैं इनकम पे, या जो गुड्स पे टैक्स लगते हैं, उनकी जो रिजाइम है, उनका जो व्यवस्था है, उसको क्या बोलेंगे टैक्स रिजाइम। तो गवर्नमेंट का जो रूल एंड रेगुलेशन अब जो प्रेजेंट सेंस में, जो प्रेजेंट सिनेरियो में, उनको क्या बोलते हैं रिजाइम। ठीक है, तो राजा के टाइम में क्या थे, वो राजा के शासन तब उसके लिए यूज होता था। ठीक है, अगले वर्ड है फ्रेजाइल और वल्नरेबल। फ्रेजाइल और वल्नरेबल, तो फ्रेजाइल और वल्नरेबल जो वर्ड्स हैं वो दोनों वीकनेस के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं, वीकनेस के लिए। तो फ्रेजाइल जो वर्ड है वो ओवरऑल वीकनेस के लिए यूज होता है, किसी भी चीज़ की ओवरऑल वीकनेस। हमने देखा होगा कई बार जो ग्लास के चीज़ें होती हैं, उनके जो पैकेज और पैकिंग होती है, तो पैकिंग के ऊपर लिखा होता है फ्रेजाइल प्लीज़ हैंडल विथ केयर, मतलब फ्रेजाइल प्लीज़ हैंडल विथ केयर, तो सावधानी से इसको इस्तेमाल करें, ये फ्रेजाइल है। किसके प्रति फ्रेजाइल है, मतलब ये फ्रेजाइल है, टूट जाएगा, मतलब टूट सकता है, उसको क्या बोला ओवरऑल, मतलब ये फ्रेजाइल है। लेकिन जो वल्नरेबल है वो क्या है, मतलब किसी पर्टिकुलर कंडीशन या पर्टिकुलर सिचुएशन के चलते वो वल्नरेबल हो सकता है, वीकनेस उसकी हो सकती है। हम सभी में कोई ना कोई वीकनेस होती है। ठीक है, ऐसे कोई आदमी जो जल्दी अगर बीमार हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, ही इज वल्नरेबल टू इलनेस। ठीक है, तो इलनेस के प्रति वो क्या है, वल्नरेबल है, उसकी वो वीकनेस है कि वो बार बार जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, लेकिन उसको हम उस जगह पे फ्रेजाइल नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे वल्नरेबल। अगर कोई ना कोई पर्टिकुलर सिचुएशन जब आती है या कोई कंडीशन आती है तब वो वीक होता है, उसमें हर बार वो वीक नहीं है, अगर वो जनरल सेंस में अगर वीक हो तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेजाइल है वो। ठीक है, डिसीव, डिसीव आता है, ये है नेगेटिव, डी जो है वो नेगेटिव प्रीफिक्स है। ठीक है, और सीव आया है ग्रीक कैपियर से, सवाल होता है टू टेक, तो नेगेटिव आया डी सीव, डी नेगेटिव यूज होता है या नेगेटिव के लिए, और सीव कैपियर टू टेक, मतलब धोखे से कोई चीज ले लेना, या धोखा क्या होता है डिसीव, डिसीव को क्या बोलते हैं धोखा। ठीक है, अगला वर्ड है रिसीव। रिसीव में अगेन जो कैपेयर है उसका मतलब होता है टू टेक, लेना। यहाँ पे जो री है इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो रिसीव होता है मतलब इस चीज़ को रिसीव करना, लेना उसको। ठीक है, रिसीव मतलब होता है किसी को लेना, तो रिसीव और जो डिसीव है वो आपस में इनकी टाइमोलॉजी मैच करती है, इनका जो ओरिजिन या रूट है वो मैच करता है, तो एक ही टाइम में आपको ये दो वर्ड मिल गए। मतलब आपने रिसीव पेपर अलग से पढ़ा होगा, डिसीव अलग से पढ़ा होगा, तो डिसीव आपको आपने पढ़ा होगा हिंदी में डायरेक्ट धोखा, लेकिन जो उसकी टाइमोलॉजी है वो क्या है, धोखा और कैपेयर टू टेक, डी नेगेटिव और कैपेयर टू टेक, मतलब उसको कैसे याद रखते हैं लोग, तो किसी चीज़ को धोखे से ले लेना या धोखा करना किसी का, तो उसको क्या बोलते हैं डिसीव। ठीक है, और रिसीव, रिसीव करना इस चीज़ को, ये नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। ठीक है, गुलीबल, गुलीबल, गुलीबल नायब सुना होगा आपने। ठीक है, लाइक ही इज बिहेविंग एज गुलीबल। ठीक है, तो गुलीबल दो वर्ड है, ये आया है गुल, लैटिन गुल से, हाँ से गुल से। गुल होता है यूज न्यूली हैच्ड बर्ड, मतलब जो नया नया जो पक्षी अंडे से निकला हो उसको बोलते हैं गुल। जो नया नया जो बेचारा बच्चा निकलता है उसको कुछ पता नहीं होता दुनिया का, अनजान होता है, तो गुलीबल भी वो आदमी होता है जो दूसरों की जो बातें होती हैं उनको आसानी से उन पे भरोसा कर लेता है। तो भी एक उसको एक बच्चे से मतलब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब जो भी कोई उसको गलत भी बोलेगा तो सही और गलत में ज़्यादा फर्क वो करना नहीं आता उसको, मतलब गुलीबल है वो, उसकी मतलब जो अंडरस्टैंडिंग या उसकी जो माइंड कैपेसिटी है वो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कौन सही है कौन गलत है, तो चीज़ों को उसको मतलब समझने की परख नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे गुलीबल। इसका एक साइनोनिम भी होता है नाइव। ठीक है,
तो गुलीवाला आदमी जो वो होगा, जो नौसिखिया बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं उसको, नौसिखिया, अमेचर, नायब, ठीक है, नौसिखिया या इजीली यकीन करने वाला बात होती है उसको बोलेंगे गुलीवाला, ठीक है। तो ये है वर्ड्स, कुछ वर्ड्स इनमें जरूर नए होंगे आपके लिए भी, तो आई होप अच्छा लगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम और नए वर्ड्स के साथ, और देखेंगे कि उनका रूट टाइमोलॉजी क्या है, ठीक है। थैंक यू।